ये अब बनाओ वीडियो। सवाल कुछ नहीं, आप जवाब देना। आप पूछो, आप टीचर हो, आप पूछो, ये मुझे फिर देगा जवाब। आपका क्या नाम है? आप बड़े हो गए, क्या बनोगे? तो क्या करोगे? शहीद होऊंगा। किधर गोली खाओगे उमर? इधर। किसके लिए लड़ोगे? कश्मीर सारे। अब आप पूछो चाचा जी से। जो उमर कैसे करोगे आप बम ब्लास्ट? कैसे होगा बताओ ना, कैसे क्या बांधोगे, कैसे करोगे? इधर बम बांधूंगा सीने के साथ। नहीं, बम बांध के कश्मीर आजाद नहीं करवाना हमने, ठीक है ना? हमने उनसे ना कहते हैं दिमाग की जंग लड़नी है। बम बांध के जितने लोग गए हैं ना, कश्मीर आजाद नहीं हुआ। इसका अपना स्टाइल है। लेकिन आपने पता क्या करना है? आपने पढ़ना है, आपने कुरान पाक हिफ्ज कर रहे हो, कुरान पाक हिफ्ज करना है और बच्चों को पढ़ाना है। और हम लोग जो हम लोग का जो रेफरेंडम पता है क्या, वोट के थ्रू जो वोट नहीं डालते, वोट डालते हैं कि हम किसके साथ हमने रहना है, हमने इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। रेफरेंडम के लिए को लेंगे जंग नहीं करनी। शहीद होंगे की बात का रटन डालते हैं, ये बात शहीद इसके दिल में बहुत दिल था शहीद होने का। अभी इसके वो जो शहीद हुआ हमारे क्या लगता है? इनका एक साथी मुझे शहीद हो गया ना पिछले दिनों में। अच्छा। माशाल्लाह इतना खूबसूरत लग रहा था, वाकई शहीद हुआ है। नहीं वहाँ पे तो फिर जाहिर सी बात है। तो आप कुरान पाक पढ़ो, कुरान पाक रीड करो, अपनी सारी स्टडीज एजुकेशन मुकम्मल करो, उसके बाद फिर हम कश्मीर के लिए, मैं आपके साथ हूँ, हम कश्मीर के लिए लड़ेंगे, ठीक है? प्रॉमिस मेरा, मैं आपके साथ हूँ। वोटों पे नहीं लड़ता कह रहे? जैसे ही वोटों पे कभी कश्मीर का क्या? रेफरेंडम के लिए, आजादी के लिए हम इंडिया और पाकिस्तान से बात करेंगे ना कि हमने किसके साथ रहना है। हम कहेंगे हमने अलग रहना है, मुख्तार कश्मीर। क्यों ना हम इंडिया के साथ रहेंगे ना पाकिस्तान के साथ रहेंगे, ऐसा ही है ना? ओ मैंने बस शहीद होने बात करता है।